भगवत गीता हिंदी अध्याय 13। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ये शरीर क्षत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन को कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी तू मुझे ही जान, और क्षत्र क्षत्रज्ञ है अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानता है वह ज्ञान ऐसा मेरा ही मन है। ये क्षेत्र जो और जैसा है तो जिन निवास विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा क्षेत्रज्ञ भी जो जिस प्रभाव वाला है, ये सब संक्षेप में मुझसे सुन। ब्रह्म सूर्य देव ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्तियुक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। पांच महाभूत अहंकार बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा दक्ष इंद्रिया एक मन और पांच इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति इस प्रकार विकारों के सहित ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से कहा गया है। श्रेष्ठा की ज्ञान का अभिमान का अभाव दम्भाचरण का अभाव किसी प्राणी की किसी प्रकार भी भाव न सताना क्षमा भाव मन वाणी आदि की सरलता श्रद्धा भक्त सहित गुरु की सेवा बाहर भीतर की शुद्धि अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों से शरीर का निग्रह इस्लोक और परलोक संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव अहंकार का भी अभाव जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव ममता का न होना विप्र प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना मुझ परमेश्वर में अचल योग के द्वारा अविचारणी भक्ति का तथा एकांत और शुद्ध तेज में से रहने का स्वभाव और विषयुक्त मनुष्य के समुदाय में प्रेम का न होना आत्मज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान में अर्धरूप परमात्मा को ही देखना ये सब ज्ञान है जो कि इसके विपरीत है वह अज्ञान है ऐसा कहा है। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूंगा। वह अनादिकाल का परम ब्रह्म न सत्य ही कहा जा सकता है न ही असत्य। वह सब और हाथ पैर वाला सब और नेत्र सिर और मुख वाला तो सब और कान वाला क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। यह चराचर सब भूतों से बाहर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी वह वही स्थित है। यह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा के विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से श्रृंगार करने वाला तथा ब्रह्मास्त्र रूप से सबको उत्पन्न करने वाला वह है। वह परम ब्रह्म ज्योतिष का भी ज्योति है और माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न जान। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति नहीं कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोगात्पन्न में अर्थात भोगने की में हेतु कहा जाता है।
प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा का अच्छी बुरी योजना में जन्म लेने का कारण है। इस देह में स्थित वह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता जीव रूप से भोक्ता ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों से गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। उस परमात्मा को कितनी ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म शुद्ध बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ज्ञानी योग के द्वारा और दूसरे कितने कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। परंतु इनसे दूसरे अर्थात मंद बुद्धि वाले पुरुष जो इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवणप्रायण पुरुष ही मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। ये अर्जुन, यान मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर में नाश रहित और समभाव में स्थित देखता है वो यथार्थ देखता है, क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता इससे परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। जिस क्षणीय पुरुष भूतों पृथक भाव भाव को एक परमात्मा में ही स्थित उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है उस क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये अर्जुन अनादि काल से और निर्णय होने से ही अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता है वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रवृत्ति से मुक्त होने का जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं ये महात्मजन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं।